लेते हैं, पर कलर्स हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा डीपली इम्पैक्ट करते हैं। हो सकता है कि आपके रूम का जो कलर है वो आपके मूड को चेंज कर दे, आपने जिस कलर के कपड़े पहने हैं वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें, या फिर कोई पर्टिकुलर खाने की चीज जो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट हमें पसंद आए उसके कलर के हिसाब से। सो कलर साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि कैसे अलग अलग लोगों पर अलग अलग कलर्स का क्या इफेक्ट होता है, उनके मूड पर, उनके फीलिंग्स पर और उनकी चॉइसेस पर। कलर्स हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूजुअली कलर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। जो वार्म कलर्स है वो हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव फील करवाते हैं, दूसरी ओर जो कूल कलर्स है वो हमें काफी काम और पीसफुल फील करवाते हैं। तो वार्म कलर्स में ब्रॉडली तीन कलर्स आते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो। अगर आपके आसपास रेड, ऑरेंज एंड येलो का प्रोपोर्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड अमाउंट में आपके आसपास ये तीन कलर्स है, तो आप काफी एक्टिव एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। जबकि अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा येलो है, बहुत ब्राइट येलो है, तो ये आपके मूड को इरिटेटेड भी बना सकता है, या बहुत ज्यादा रेड या ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। सो हमें इन चीजों को बैलेंस करके चलना है। दूसरी ओर जो कूल कलर्स है उनमें आते हैं ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन। तो ब्लू कलर जो है वो ओशन और स्काई, खुले आसमान को दर्शाता है। तो स्काई और ओशन दोनों ही चीजें ऐसी है जो पीसफुलनेस, कामनेस को शो करती है। तो कहा जाता है कि ऐसी जगहें जहां पे आपको रिलैक्स करना है, आराम करना है, वहां के लिए बेस्ट कलर्स हैं ब्लू। ब्लू का कोई भी शेड अपने बेडरूम में या ऐसी जगह पे जहां आप मेडिटेशन करते हैं वहां यूज कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही कामनेस देगा। दूसरा है कूल कलर ग्रीन। तो ग्रीन का साइंटिफिक रीजन है कि जब हमारी आंखें फोकस करती है ग्रीन कलर पे, तो सबसे ज्यादा कम स्ट्रेन आता है हमारी आंखों पे या आई मसल्स पे जब हम ग्रीन कलर को देखते हैं। और ग्रीन कलर दूसरी ओर दिखाता है नेचर को, ग्रीनरी को, ग्रोथ को। तो ग्रीन कलर भी बहुत ही पीसफुल और काम का प्रतीक है। तीसरा है पर्पल कलर। तो पर्पल कलर बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू से। तो रेड एक वार्म कलर है और ब्लू एक कूल कलर है, तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें मिलता है पर्पल कलर। तो पर्पल कलर शो करता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब ऐसी जगह है जहां पे आपको कुछ काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, कुछ नए आइडियाज चाहिए आपको, तो ऐसी जगह पे आप यूज कर सकते हैं पर्पल कलर। जैसे कि आपकी ऑफिस की दीवारों में कुछ पेंटिंग्स या कुछ कलर्स आप पर्पल कलर के रख सकते हैं, या फिर स्टडी, या फिर जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ये इनकी क्रिएटिव साइड को बहुत ही एनलाइटन करेगा और बहुत ही क्रिएटिविटी लाएगा। तो ये हो गई बात वार्म और कूल कलर्स की। तो अब देखते हैं कलर्स कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी चॉइसेस में, कि जो चीजें आप खरीदना चाहते हैं उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कलर्स। पता नहीं आपने नोटिस किया है या नहीं, पर मार्केट में आप जो भी लोगोज या होर्डिंग्स देखते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, उनका जो कलर सिलेक्शन है या उनमें जो कलर्स यूज होते हैं वो एक्चुअली आपको अट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एज अ कस्टमर दे नो योर साइकोलॉजी और उस हिसाब से वो कलर्स यूज करते हैं अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, सेल, जहां पे भी सेल होगा उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स में आप देखिएगा कि हाईलाइट में जो कलर जिससे वो सेल को हाईलाइट करेंगे वो रेड होगा। मोस्ट ऑफ द जगह 70%, 80%, 90% सेल, 50% सेल जहां पे वो दिखाना चाहेंगे उस होर्डिंग में या उस बोर्ड में, वहां पे सेल बड़ा बड़ा जो होगा उसके आसपास यूजुअली रेड कलर हाईलाइटेड होगा। तो रेड बहुत ही इनवाइटिंग कलर है और रेड जो है एक फीलिंग देता है अर्जेंसी की। अर्जेंसी मतलब कि फटाफट तुरंत ही जाके हम उसे देख लें या तुरंत ही जाके हम उसे पिक कर लें। तो बहुत ही फेमस ब्रांड्स जैसे आप देखेंगे लेवाइस, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, या जैसे कि मैंने बोला कहीं पे भी सेल लिखा है तो वो रेड कलर का यूज करते हैं टू अट्रैक्ट एंड इनवाइट देयर कस्टमर्स। पहले बात करते हैं ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डायनामिक चीजें शो करता है, ऐसी चीजें जो बहुत ही हाई एंड लेवल की है, तो उन्हें ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे जितने भी डिजाइनर ब्रांड्स हैं, जो बहुत ही बड़े डिजाइनर फेमस ब्रांड्स हैं, उनके लोगोज यूजुअली ब्लैक कलर में होते हैं। जो लोग ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल पसंद करते हैं उनका मोबाइल कलर यूजुअली ब्लैक होता है। जो कलर है जो यूजुअली लोगोज या ब्रांड्स में यूज होता है वो है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर बहुत ही इंटेलेक्चुअल कलर है जो बहुत ही
हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल चीजें होती है उनके ब्रांड्स उनके लोगोज में ज्यादातर ब्लू कलर यूज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लू कलर के बारे में, वो लॉयल्टी और ट्रस्ट शो करता है। तो मोस्ट ऑफ जो इंडियन ब्रांड्स है आप देखेंगे उनमें उनका जो कलर या फिर लोकल जो मार्केट या शॉप्स है उनके उनके जो बाहर शॉप के बाहर नाम लिखा रहता है वो सब वो ब्लू से लिखवाते हैं, ताकि ब्लू जो है वो प्रतीक है ट्रस्ट का और ऑनेस्टी का और लॉयल्टी का, ताकि लोग उन पे ट्रस्ट करें और उनका जो बॉन्डिंग है कस्टमर्स के साथ वो बना रहे। नेक्स्ट कलर है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर यूजुअली वहां यूज होता है जहां पे वो ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ज्यादा बेचते हैं। तो वहां के होर्डिंग्स वहां के लोगोस ज्यादातर ग्रीन कलर में होंगे, क्योंकि जो लोग इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो ग्रीन कलर को देख के अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट कलर है ऑरेंज कलर। तो आप देखेंगे जहां पे भी चीजें बहुत ही किफायती रेट्स में है, बहुत ही कम या डिस्काउंटेड रेट्स पे, उनके वहां होर्डिंग्स ऑरेंज कलर से होंगे, क्योंकि ऑरेंज कलर एक फीलिंग देता है कि सब कुछ मॉडरेट रेट पे, कुछ महंगा नहीं है, तो लोग वहां आएंगे और खरीदेंगे। नेक्स्ट है व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर प्योरिटी और भरोसा शो करता है। तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो पैकेजिंग होती है वो यूजुअली व्हाइट कलर में होती है, ताकि वो कस्टमर्स का भरोसा पा सके और उनको शो कर सके कि जो भी आइटम्स वो बेच रहे हैं दे आर ऑल प्योर। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी पर्पल कलर के बारे में। पर्पल कलर एक ऐसा कलर है जो बहुत ही रॉयल्टी और लग्जरी शो करता है। पहले के जमाने में जो राजा वगैरह होते थे उनके कलर उनके कपड़ों का कलर ज्यादातर पर्पल होता था। सो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक नॉर्मल सी गिफ्ट किसी को दे रहे हैं लेकिन उसके ऊपर रैप कर लेंगे पर्पल कलर से, आप गिफ्ट रैप पर्पल कलर का करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही महंगे गिफ्ट दे रहे हैं आप। सो वो जो इफेक्ट है पर्पल कलर का वो बहुत ही रॉयल आता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कलर्स कैसे आपको खुश कर सकते हैं, आपको अच्छा फील करवा सकते हैं। तो यूजुअली ऐसे कलर्स जो आपको खुशी वाली फीलिंग देते हैं वो है ब्लू, ग्रीन, येलो और पिंक। तो ब्लू और ग्रीन के बारे में जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत ही काम पीसफुल फीलिंग देते हैं, और यूजुअली पाया गया है कि वर्ल्ड की ज्यादातर पॉपुलेशन ब्लू कलर को पसंद करती है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ब्लू कलर को पसंद करती है, चाहे वो कपड़ों में हो या अपनी और दूसरी चीजों में हो, ब्लू कलर बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो ब्लू कलर एक ऐसा है जो खुशी देता है लोगों को। नेक्स्ट जो कलर है जो खुशी देता है वो है येलो। आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमारी स्माइली होती है, स्माइली का कलर भी येलो होता है, तो वैसे भी येलो उस तरह से बहुत ही पॉजिटिविटी देता है आसपास। अब बात करते हैं कि कैसे कलर्स आपके मूड पर एडवर्स इफेक्ट देते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद है और उसी कलर के कपड़े उन्होंने पहन लिए तो वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, बहुत ही लो फील करेंगे या इरिटेटेड फील करेंगे। एक ऐसा कलर है जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पसंद नहीं करती है और वो है ब्राउन कलर। ज्यादातर लोगों को ब्राउन कलर पसंद नहीं होता है, और ब्राउन कलर जो है वो डिपिक्ट करता है लेजीनेस, गंदगी या फिर शैबीनेस, ये सब चीजें ब्राउन कलर डिपिक्ट करता है, तो ज्यादातर लोगों को ब्राउन कलर नहीं पसंद होता। नेक्स्ट जो कलर है जो लोग कम पसंद करते हैं वो है ऑरेंज कलर। वैसे तो ऑरेंज कलर बहुत ही ब्राइट, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कलर है, पर लोग उसे एज अ फेवरेट कलर कम मानते हैं। बट आप देखिएगा कि जो भी स्पोर्ट्स टीम है, स्पोर्ट्स के जो कपड़े होते हैं उनमें ब्राइट ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज इट शोज एनर्जी, इट शोज पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, इसलिए ऑरेंज कलर ज्यादातर ऐसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रे कलर। ग्रे कलर भी लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं करते या फिर लोगों का कम फेवरेट होता है, पर ग्रे कलर एक बहुत ही न्यूट्रल कलर है। जब भी आप चाहते हैं कि जब आप बात करें या ऐसी जगह पे जाए जहां पे लोगों का ध्यान आपके कपड़ों पर ना हो, आप पर हो, आप पे लोग फोकस करें, ऐसी जगह पे आप ग्रे कलर पहन सकते हैं या ग्रे कलर का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके कपड़े या दूसरी चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी अगर वो ग्रे कलर में है, तो सारा फोकस सामने वाले का आप पर होगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर की कलर साइकोलॉजी के बारे में, कि कैसे कलर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी चॉइसेस और आपके मूड को। होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इसे थम्स अप दीजिए अगर अच्छा लगा तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।